어이가! 말까 말까? 알아 비전이. 어이가! 아저리! 그래 뭐. 비전 좀 해라 비전이야. अरे अंकल जी, इतने देर में तो बच्चे के दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट घुस जाएगा। इधर देखो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दो कंपाउंड दिया है और यहाँ पे अपने को L1 L2 कंपेयर करना है। L1 L2 है क्या? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो देखो इधर क्या करते हैं, पर यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसमें हमें, जिस बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होता है, हम वहां पे बॉन्ड लेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस L2 वाले बॉन्ड में जो है रेजोनेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है। इधर से OCH3 भी चाहेगा कि हम भी रेजोनेंस में जाए, और इधर से जब रेजोनेंस होगा तो ये रेजोनेंस कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इसको रोकने वाला नहीं है, इसीलिए रेजोनेंस ज्यादा होगा एंड इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगा। So, bond length जो होगा L2 का ज्यादा होगा देन L1। सो दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।